सहित जिला प्रशासन WZCC व पर्यटन विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। पर्यटन विभाग की उपनिदेशक सुमिता सरोज ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 16 से 25 सितंबर तक पूरे देश में पर्यटन पर्व मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। पर्यटन पर्व के आगामी कार्यक्रमों के तहत 19 सितंबर को किशोरी बाल समूह के बच्चों को सिटी पैलेस, हल्दी घाटी सहित अन्य टूरिस्ट पैलेस का भ्रमण कराया जाएगा। 22 सितंबर को आयल में हेरिटेज वॉक का आयोजन होगा। इसके साथ ही 25 सितंबर को ऋषभदेव के बच्चों के साथ पेंटिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जाएगा। सरोज ने बताया कि गवरी मेवार का लोक पारंपरिक नृत्य है जो भील समाज की आस्था और रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। गवरी हमें यह संदेश देती है कि हम प्रकृति के साथ ही मानवता का संरक्षण करें। इन मूल उद्देश्यों को लेकर देश विदेश तक पहुंचाने और गवरी को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के साथ ही पर्यटकों को गवरी के माध्यम से हमारी परंपरा को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग पिछले 3 सालों से सतत प्रयासरत है। आज ये रीडिस्कवरी गवरी पर